दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होंडा सीबी 150R X मोशन के बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके प्राइस, स्पेक्स और माइलेज के बारे में कि ये कैसा परफॉर्मेंस हमें रोड पर देती है। तो इस बाइक में दोस्तों आपको मिल जाता है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर DOSC इंजन जो कि लिक्विड कूल्ड है और 4 वॉल्व वाला PGM-FI BS6 इंजन है। इसमें PGM-FI का मतलब है प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन। 150 सीसी होने के बावजूद इस बाइक में आपको मिल जाता है लिक्विड कूल्ड सिस्टम जो कि काफी अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। जब आप इसे काफी लंबे समय तक रन करेंगे और रेव करते रहेंगे तब यहाँ पर लिक्विड कूल्ड सिस्टम काफी इंजन को रिलायबल बनाए रखने में कोशिश करता रहेगा। ये बाइक दोस्तों आपको 20 BHP की पावर देता है और साथ में 14 Nm का टॉर्क इजिली दे सकता है रोड पर। 6-speed गियर के साथ इस बाइक के इंजन को लैस किया गया है। एक चीज मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बाइक में अगर फ्यूल टैंक देखा जाए तो शायद सबसे छोटा अगर मैंने पाया है तो इसी बाइक में पाया है, जो कि है केवल 8.5 लीटर का फ्यूल टैंक। स्कूटी और विक्की जैसी बाइकों को छोड़ करके अगर किसी में 8.5 लीटर की फ्यूल टैंक आती है तो प्लीज यार नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस बाइक की टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है केवल 120 km/h, लेकिन इजीली ये 125-130 तो टच कर ही सकती है। इस बाइक का माइलेज भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि 8.5 लीटर के टैंक के साथ इस पर भरोसा किया जा सके, जो कि इसका माइलेज केवल 45-55 है। क्लेम 55 तक किया गया है लेकिन होने को तो ये 45 से ज्यादा नहीं दे पाएगी। ये बाइक ड्यूल डिस्क के साथ आएगी जिसमें से फ्रंट रहेगा 296 mm की डिस्क और रियर में 220 mm की डिस्क। ड्यूल चैनल ABS का जो ऑप्शन इसमें ये दे दिया गया है, ये कहीं ना कहीं इसे अदर बाइकों से थोड़ा सा आगे लेके जा सकता है एक कदम। टायर साइज की बात करें तो वो भी काफी अच्छा चुना गया है, जो कि है फ्रंट में 170/17 का और रियर में 150/60/17 का। तो टायर प्रोफाइल के मामले में ये बाइक काफी हद तक बाजी मार जाती है अदर बाइकों के बीच में। कंपनी कह रही थी कि इसमें अपसाइड डाउन का शॉकर रहेगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक ऐसा फील होता था कि अपसाइड डाउन का शॉकर दे पाना होंडा के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन सबको पता है कि होंडा ने ही अपने हॉर्नेट 2.0 में अपसाइड डाउन का शॉकर दे दिया है। तो ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि इंडिया में 41 mm का टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन शॉकर इस बाइक में जरूर आएगा। रियर में वही आपको मोनोशॉक मिलता है जो कि अदर बाइकों में दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलता है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल वार्निंग, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, रेव लिमिटर, ये सभी चीजें ये तो आपको डिजिटल दिखाई देंगी या फिर इंडिकेटर के रूप में दिखाई देती रहेंगी। इस बाइक में आपको LED की हेडलाइट जो कि सिंगल पीस रहेगी, जी हाँ बिल्कुल, और LED की टेल लाइट और साथ में 4 इंडिकेटर भी आपको LED में ही मिलेंगे। लुक वाइज देखा जाए तो ये बाइक काफी अच्छी है, काफी प्रीमियम है, लेकिन मैं कुछ चीजों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रियर स्विंग आर्म जो कि आपको यहाँ पर अलॉय का दिख रहा है वो अलॉय का न होकर के नॉर्मल वाले पाइप वाले ही आपको इंडिया में मिलेंगे, क्योंकि कॉस्ट कटिंग अगर कहीं पर ये कंपनी कर सकती है तो इसके रियर स्विंग आर्म पर ही कर सकती है। बाकी साइलेंसर का तो कुछ नहीं, साइलेंसर जस्ट ऐसा ही अंडर बेली वाला ही आएगा जो कि चीप भी पड़ता है और इस बाइक में सबसे ज़्यादा सूट भी यही कर रही है। हाँ एक चीज़ है कि इस बाइक के डिस्क के कैलिपर ज़रूर चेंज किए जाएंगे, वही आपको नॉर्मल वाले चीप कैलिपर मिलेंगे, यहाँ पर कोई भी प्रीमियम कैलिपर नहीं मिलने वाला है। इस बाइक में स्लीपर क्लच की जरूरत थी लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है वही पुरानी वेट मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम। लास्ट में बात कर लेते हैं इस बाइक का एक शोरूम प्राइस कैसा रहेगा, तो वो लगभग 1.5 लाख के आसपास जा सकता है इजिली, क्योंकि इस बाइक में काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस प्राइस रेंज में इजिली मिल जाते हैं आपको, तो ये प्राइस तो इसका रहने ही वाला है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक यार ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक का। बाय बाय।